हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विंडोज 10 एक्स है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास विंडोज 10 प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा तो हम हाइपर वी इनेबल नहीं कर सकते। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे वीडियो में चेक कर सकते हो, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बूट मेन्यू चेंज करना है, बूट मेन्यू नहीं सॉरी, हमें बायोस सेटिंग में जाना है। मेरा लिनोवो का पीसी है तो मेरा बूट मेन्यू F12 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें एडवांस में जाना है, सीपीयू सेटअप और इंटेल आर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को हमें इनेबल करना है। आपका यहाँ पे डिसेबल हो सकता है तो आपको सिर्फ इसे इनेबल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है तो मुझे, मैं अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। हमारी दूसरी स्टेप है जहाँ पे हमें सर्च बार में क्लिक करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करके हमें उसे ओपन करना है। हमें यहाँ पे जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे। यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें हाइपर वी जो दिखाई दे रहा है उसे इनेबल करना है। उसके प्लस करके जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे इनेबल कर देने हैं। याद रखें कि जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा नेट कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि इंटरनेट हमारा जो फाइल्स डाउनलोड होगी वो इंटरनेट के थ्रू होगी। मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है, हो सकता है आपका टाइम लगेगा पूरे कंपोनेंट्स डाउनलोड होने में, सो आप इसे पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही रिस्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे डोंट रिस्टार्ट पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, इसे क्लोज कर देते हैं। चलते हैं हमारे डाउनलोड सेटअप की तरफ। जो हमें फाइल लगने वाली है फ्लैश एमुलेटर की, वो मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। जो भी फाइल आप डाउनलोड करोगे उसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और कोई ऐसी लोकेशन पे रखना है जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स या फिर हमारा डेस्कटॉप। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। हमें सर्च बार में सर्च करना है हाइपर वी मैनेजर, जो यहाँ पे आया है, हमें इसे क्लिक कर देना है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वर्चुअल मशीन अभी तक हमने नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो हमें सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट कर देना है। जो भी हम हमारे वर्चुअल मशीन को नाम देने वाले हैं वो हमें यहाँ पे इनपुट कर देना है। मैं फिलहाल अभी इसे विंडोज विन 10x नाम देने वाला हूँ। चलिए टाइप कर लेते हैं। सॉरी, विन 10x नाम डालते ही हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें जनरेशन 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि हम 64-bit OS यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी हमारी मेमोरी रहेगी, मेरे फिलहाल सिस्टम में अभी 8GB RAM इंस्टॉल्ड है, तो मैं अभी इसमें इस वर्चुअल मशीन को 3GB अलॉट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली 3072 लिख देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके नॉट कनेक्टेड के अलावा हमें डिफॉल्ट स्विच पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। जो ऑप्शन क्रिएट वर्चुअल डिस्क है उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम सेम ही हार्ड डिस्क पे उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए कोई अलग हार्ड डिस्क हम यूज नहीं करने वाले। सिम ब्राउज पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पे हमने वो फाइल रखी है वो बात हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसे ओपन करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, हमें ऑप्शन नेक्स्ट सेलेक्ट करके फिनिश कर देना है। ये अभी हमारा विंडोज 10x जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो चुका है। से हमें राइट क्लिक करके सिर्फ जो अभी टर्न ऑफ दिखा रहा है उसे राइट क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक कर देना है।
कनेक्ट करते ही हमें स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा हाइपर वी ऑन हो चुका है। अभी जो इंस्टॉलेशन होगा वो स्टार्ट होगा। प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो मैं वीडियो को स्किप करके जो आपको आगे की प्रोसेस दिखा दूंगा कैसी है। अभी ये प्रोसेस कम से कम 20 मिनट तक चलेगी। इसे एक बार हम लोग क्लोज कर देंगे 20 मिनट के बाद। विंडोज 10x पे राइट क्लिक करके इसे टर्न ऑफ कर देंगे। फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा हाइपर भी ऑन हो चुका है। ये हो गया हमारा विंडोज 10x ऑन। देखते हैं इसमें क्या कुछ सेटिंग्स है। पहले हमें यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करने लेना है यहाँ पे, और यस पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश इंडिया पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम सेटअप फॉर पर्सनल यूज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी स्किप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सो हम लोग सिंपली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ेगा। पुराने विंडोज 10 में हमें ऑप्शन मिलता था। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट वन पे क्लिक करके नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है माइक्रोसॉफ्ट पे, तो मैं सिंपली लॉगिन करके आगे की प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। चलिए, हमारा माइक्रोसॉफ्ट को लॉगिन तो हो चुका है। यहाँ पे हमें क्रिएट पिन जनरेट के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग एक 8 नंबर्स का पिन जनरेट कर लेते हैं। याद रखिए 8 नंबर्स होना चाहिए, नहीं तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा आगे की प्रोसेस। सेम पिन हमें रिपीट करना है नीचे के साइड पे। श्योर होने के लिए आप आइकॉन का जो बटन दिया है आई का, वहाँ पे क्लिक करके श्योर कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलो, इसने पिन तो नहीं लिया है, हमें स्किप का ऑप्शन मिल चुका है, तो हम लोग स्किप पर क्लिक कर देते हैं। कुछ प्राइवेसी की सेटिंग्स है, इसे हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करते ही नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट। और ये हमारा विंडोज 10x ऑन हो चुका है। गाइस, लुक वाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी डेस्कटॉप जैसा लुक नहीं है, कोई भी दिस पीसी का ऑप्शन नहीं है। जो हम राइट क्लिक करते थे रिफ्रेश करने के लिए, कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, चेंज योर बैकग्राउंड। और ये सेटिंग्स खुल चुकी है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। बाकी के फीचर्स देख लेते हैं क्या है। ये ओपन नहीं हो रहा है तो इसे क्लोज कर देते हैं। देखते हैं नीचे की टास्क बार की तरफ हमें क्या मिलता है। वाह, देखिए जस्ट उबंटू के जैसा ही लुक दिख रहा है मुझे तो, सेम टू सेम जैसा हम उबंटू में देख पा रहे थे। सेटिंग्स बिल्कुल सेम ही है जैसा विंडोज 10 का था। और कुछ तो अभी तक नया मैंने इसमें नहीं देखा है। जो टैब्स नीचे के हैं वो हाइड हो चुके हैं, सर्च बार चला गया है, सिर्फ टाइम दिखा रहा है, और जो लैन कनेक्शन है वो, और जो हमारा कीबोर्ड लेआउट है वो उतना सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
चलिए होप करते हैं आगे के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको विंडोज़ 10X कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।